अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन PSL एडिशन 6 हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन K21 न्यूज़ पर जारी है और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। आज भी बात होगी मैचेस के हवाले से और अब से कुछ देर पहले जो मैच हुआ है कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, बड़ा एक्साइटिंग मैच था। और एक बात जिसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर गुफ्तगू हो रही है वो ये कि टॉस जीतने वाली टीम ही 100% अब तक बड़ी गैर मामूली बात है, एक नतीजा रहा है कि जिस टीम ने टॉस जीता वही मैच जीतने में कामयाब हुई है। बहरहाल जी, इसके ऊपर आज बात करनी ज़रूरी है, आज के मैच के हवाले से भी बात होगी और आने वाले मैच को भी प्रोग्राम में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले उन सबका शुक्रिया, हमारे स्पॉन्सर्स का, जिन्होंने इस ट्रांसमिशन को हमारे लिए और आपके लिए यकीनी बनाया। उसमें सर फहरिस्त गाला बिस्किट है। गाला बिस्किट जो है वो आपके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त स्कीम लेकर आया है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाने वाला बिस्किट है। गाला बिस्किट में अंडे और गंदम का बेहतरीन इम्तिजाज जो दे आपको वही रिवायती लज्जत जो हमारे देश की पहचान है और हर कोई कहता है मेरे देश का बिस्किट गाला, ये इनका पैगाम है जी। और इस मौके पर गाला बिस्किट आप सबके लिए एक ऑफ़र लेकर आया है, करोड़पति बनने का मौका है और उसके साथ साथ लाखों के जो इनामात जीतने का मौका आपको मिलेगा। तो इंतज़ार नहीं करना और करना ये है आपने कि गाला का जो 10 और 20 रुपये वाला पैकेट है उससे आप अपनी किस्मत जो है वो आजमा सकते हैं। और करना आपने क्या है वो आपको बता देते हैं। ये जो बिस्किट है इसके ऊपर एक ग्रे एरिया है जिसको आपने स्क्रैच करना है, और स्क्रैच करने के बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 03167225225 के ऊपर आपने जो है मिस कॉल देनी है, उसके बाद आपको जवाबी कॉल मौसूल होगी और 500 का जो आपका कोड है वो आपने जो है वो दर्ज करना है और उसके बाद आपको मौका मिलेगा करोड़ों के इनाम जो है वो आप उससे जीत सकते हैं। तो ये गाला बिस्किट जो है आपके लिए एक फैंटेसी लेकर आया है और ये स्पेशली इस वक्त PSL के मौके पर एक बड़ी ज़बरदस्त ऑफर है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो ये गाला बिस्किट का मैसेज है और ये गाला बिस्किट का पैगाम जो कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा फेवरेट बिस्किट है। जनाब, स्पॉन्सर्स के बाद जो है वो बात होगी आज के मैच के हवाले से, लेकिन उससे पहले जो स्टूडियोज़ में मौजूद मेहमान हैं उन्हें मैं खुश आमदेद कहूँगा। आज भी हमारे साथ जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट और साबिक जॉइंट सेक्रेटरी भी कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के, उनको खुश आमदेद। थैंक यू सो वेरी मच जमील भाई प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं मज़र आवान, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं और हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में खसूसी जो ट्रांसमिशन हम आपके लिए लेकर आएँ उसमें हमारे साथ हैं, उनको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया मज़र आवान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जमील भाई, गुफ्तगू का आगाज़ अब मेरे ख्याल से टॉस से ही किया जाए, अब तो प्रोग्राम भी मेरे ख्याल में टॉस से जो वो फैसला होगा कि आगे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मामला अब बड़ा आसान नज़र आता है कि आपने इधर टॉस जीता और उधर मैच जीत लिया आपने, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे ज़रा ये बताइए। असल में 12 मैच तो गुजर गए थे हमारे और यही हुआ था, आज का जो मैच था वो ऐसा लग रहा था कि शायद जो है वो रिवायत टूट जाए और आज जो है मतलब ये कि अपसेट हो जाएगा, अपसेट हो जाए और जो है पहले जो बैटिंग करने की टीम शायद जीत जाए, लेकिन वो जो आखिर में हुआ वही कि जो होना था और टॉस जीतने वाली टीम ने फिर जीत लिया। क्योंकि इस मैच में खास बात ये थी कि 12.5 रन का जो एवरेज है वो बहुत जल्दी आ गया था, वरना होता है ना कि भाई जब ओवर ज्यादा गुजरते हैं तो पता चलता है 11 को हो गया या 10-11 11.5, लेकिन आज 12.5 का एवरेज हो गया और 12.5 रन का एवरेज जो है वो चेज हो गया, जिस अंदाज में चेज हुआ है तो वो बड़ा हैरान कौन है कि जो है ना मतलब ये कि 188 रन 63 रन बनाए 10 ओवर के अंदर कराची ने और 3 खिलाड़ी आउट हो गए। तो अब ये लग रहा था अब कि जब बाबर आजम खेल रहे थे उसके बाद मोहम्मद रफी आए तो लग रहा था कि जो है ना शायद मैच जो है ना, लेकिन 100 से ऊपर उनकी पार्टनरशिप और क्या पार्टनरशिप हुई कि जो खेले हैं दोनों लाजवाब खेले हैं, दोनों ने निश्चय सेंचुरी बनाई और सबसे बड़ी अहम बात ये कि उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा 191 का स्ट्राइक रेट जो है ना उससे खेला है मोहम्मद रफी और 180 रन के स्ट्राइक रेट से ये भी खेला है बाबर आजम, मेन तो वही ना स्ट्राइक रेट है। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब
जो अम्माद बट ने जब मोहम्मद नबी जब बिल्कुल आए थे शुरू में जी, तो उनका कैच जो है ना, मतलब बड़ा आसान कैच उनका जो है वो अम्माद बट ने गिराया और लग रहा है उन्होंने पूरा मैच ही गिरा मैच ही गिरा दिया। और वो मैं वो जो उसके गिरने के बाद जो है ना उसके उसने पीछे पलट के नहीं देखा और जिस अंदाज में उसने खेलना शुरू किया है जी 15 रन 17 रन 18 रन हर ओवर के अंदर, तो मतलब ये कि वही जो एक रिवायत चली आ रही थी तो वही हुआ। इसकी जो मैं ये समझता हूँ कि कराची किंग ने जो 188 रन बनाए ना, ये मेरे लिए बड़े हैरान कौन है। बाकी मैं यहाँ पर ये जरूर बोलूंगा कि ठीक है अम्माद वसीम जो है वो कराची को उसने चैंपियन बनवाया था और जीती हुई टीम है, जाहिर है कि वो अपने एजाज का दिफा कर रहे हैं, लेकिन जो कप्तानी उसने इस मैच में की है, इससे पिछले मैच में की है, वो मेरे लिए बड़ी हैरान कौन है। मतलब उसकी कप्तानी जो है ना उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह जो है ना, क्योंकि इतने रन होने नहीं चाहिए। यस यस, जब आपने सर्किल पकड़ लिया ना, सर्किल के अंदर जो है 39 रन तीन खिलाड़ी आउट जी, यदि आगाज तो अच्छा किया था पिशावर ने, 27 रन थे उनके और जो है ना तीन ओवर के अंदर आउट कोई नहीं था, एकदम तीन विकेट गिरी। जब तीन विकेट गिरी तो अगले तीन ओवर में 12 रन बने, तो हुआ ये कि 39 रन के ऊपर जो है क्या कहते हैं इनके तीन खिलाड़ी आउट हो गए। उसके बाद भी जो है ना क्या कहते हैं वो आखिर के जो चार ओवर है जी, उन यानी कि एक यानी उन चार ओवर में 68 रन बने, आप समझ लें तो 120 रन थे जी, 120 रन थे 16 ओवर में, 16 ओवर में 120 रन थे और 188 तक ले गए। तो आखिरी ओवर के अंदर जो क्रिश्चियन बैंक है, क्रिश्चियन को जो 32 रन बने हैं जी, जी, और अम्माद बट ने 7 गेंदों के ऊपर जो 27 रन बनाए बहुत शानदार, वो मतलब एक ऐसा मतलब टारगेट सेट कर बहुत अच्छा टारगेट सेट कर। तो अगर वहां पर कप्तानी सही होती तो मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बहुत अगर वो तीन मारते ना तो 160 और 70 के दरमियान जो है ना वो स्कोर होना चाहिए था, जो जिस अंदाज में विकेट गिर गई थी और जिस तरह इन्होंने सर्किल पकड़ लिया था, लेकिन जो बॉलरों का इस्तेमाल सही नहीं किया अम्माद वसीम ने, और 7 बॉलर इस्तेमाल किए उसने फिर भी उनका इस्तेमाल सही नहीं किया, और दूसरी जो इसके अंदर मतलब अहम बात थी कि जो मोहम्मद नबी है जी, उसने 2 ओवर में 12 रन दिए थे, उससे उसके बाद 2 ओवर के बाद बॉल नहीं कराई गई, करवाई मतलब इतना हैरान मतलब ये फैसला था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि जब उससे आप कर, मतलब करवा रहे हैं तो एक तो उसको बहुत लेट लाए, लेकिन 2 ओवर इतने शानदार कर दिए उसने ना, उसके बाद उससे बॉल ही नहीं करा रहे आप। मैं मतलब मेरे जो उसकी जो कप्तानी है ना पिछले मैच में एक इन्होंने ये किया है कि इस मैच में जो वकास मकसूद की जगह जो है वो अब्बास आफरीदी को चांस दिया और उसने आज 2 खिलाड़ी पे आउट किए, अच्छी बॉलिंग की है, तो ये एक मतलब ये ओवरऑल अगर आप देखें तो मैच तो मतलब ये के मतलब तमाशाइयों के लिए बहुत अच्छे हो रहे हैं, और हम सनसनीखेज इसलिए नहीं हो रहे कि आखिरी गेंद पे फैसला नहीं हो रहा या एक गेंद पहले नहीं हो रहा, मतलब एक ओवर पहले हो रहा है, 8 गेंद पहले हो रहा है, तो इसको सनसनीखेज तो उसको कहते हैं ना कि जो बिल्कुल आखिरी बॉल तक कौन जीतेगा पता नहीं है, लेकिन हमें अगर एक ओवर या 7 गेंद या 8 गेंद पहले पता चल रहा है कौन जीतेगा तो सनसनीखेज खत्म हो जाती है। मतलब 12.5 रन का एवरेज अगर मतलब ये ऐसे बन रहा है तो यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि बॉलरों के लिए कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बॉलरों की बिल्कुल पार्टी नहीं हो रही। जी जनाब, अब मगर अमान ये बताइए कि शर्जील खान एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि आज शर्जील आएगा, जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है उसके बाद विकेट थ्रो कर देना, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम है, और अगर यहाँ मेच्योरिटी का मुजाहरा नहीं करेगा, देखिए हार्ड हिटिंग होना अच्छी बात है लेकिन अपनी फॉर्म को आगे कंटिन्यू रखना ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो आज एक दफ़ा फिर मिस हो गया, ये क्या चक्कर है जरा बताएं, क्योंकि उसके बाद ही हमने देखा कि मैच शुरू में लग ये रहा था कि जब कराची की बैटिंग स्टार्ट हुई कि वो पेशावर जमी आज वो जो हम देख रहे थे ना वो स्टेटस को जो बना हुआ था उसको तोड़ देगा, यानी कि वो आज दूसरी जो है वो बॉलिंग करके मैच जीतेगा, क्योंकि हमने देखा 5-6 ओवर तक जो है 27 रन 5 ओवर में कुछ ऐसे थे, उसके बाद 6 ओवर में मेरे ख्याल में 38 के करीब कुछ स्कोर था, तो ये सूरत हाल थी, तो वो दबाव आया आज ओपनर का, क्या कहेंगे? शर्जील जो है वो पीछे जो है उसने खेला तो है, मगर मसला सबसे बड़ा यहाँ पर यह है, जितने भी जो यहाँ पर ओपनर देख लें या दूसरी भी टीम के ओपनर देख लें, ओपनिंग स्टैंड इतना अच्छा नहीं मिल रहा हम लोगों को, पूरे पीएसएल में आप देख लें एक दो बार मिला है हमें, किसी एक टीम का जो है एक ओपनर चला है या किसी दूसरी टीम का कोई एक ओपनर चला है, ऐसा ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो कि जोड़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है ना 8-7-8 ओवर तक खेल के आपको जो है ना वन साइडेड शुरू से ही कर दे, मगर अभी तक जो है जो भी ओपनिंग पेयर बनी है उसमें से एक ओपनर जल्दी आउट हुआ है, दूसरे ओपनर ने किया, यहाँ पर ये बिल्कुल चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि अगर आप इस विकेट पे
शुरू के 3-4 ओवर अगर रुक जाएं उसके बाद इस विकेट के अंदर रन ही ना दें। इसका मकसद ये हुआ कि आपने नई बॉल को थोड़ा सा अपने पुराना होना देना है। अच्छा, मगर गुफ्तगू कंटिन्यू रखेंगे, टॉस देख लेते हैं। पहले टॉस हो रहा है, आज का टॉस देख लेते हैं क्योंकि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। टॉस टेल्स इट इज। स्माइल के साहब, आपने कहा बॉलिंग करेंगे, उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं आप। रमेश भाई, जिस तरह चल रहा है विकेट को और स्ट्रेंथ के हिसाब से देखते हुए बॉलिंग कर रहे हैं। बाकी मेरे ख्याल से मेरे लिए कोई इतना खास मैटर इस पे नहीं आ रहा कि बैटिंग करें या बॉलिंग करें, मगर स्ट्रेंथ इस वजह से आ रही है कि अपनी स्ट्रेंथ उनकी स्ट्रेंथ को देखते हुए हम बॉलिंग करें। क्या वजह रिजवान के इतनी सारे जो विन्स हैं वो चेजिंग से हो रहे हैं, कुछ आपके ख्याल में आप कुछ आज करेंगे इस ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए? रमेश भाई, कोशिश तो बिल्कुल कर रहे हैं कि ट्रेंड को चेंज करें। अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि कुछ हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं रही है, थोड़ा सा बॉलिंग हमें अच्छा करनी पड़ेगी और कोशिश करेंगे कि आज तीनों शुबों में अच्छे खेल का मुजाहरा करें और आज का मैच जीतें। मैं बात करूंगा हसनैन की, खास तौर पे 94 माइल्स पे उन्होंने 1-2 बॉल किए हैं। किस तरह से आप इस स्पीड को इस्तेमाल करना चाहेंगे इनके खिलाफ? रमेश भाई, ऑब्वियसली देखें, आप तेज़ बॉल तो आप बिल्कुल करें, लेकिन आपकी जो है ना वो लेंथ और लेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर पिचेस हैं, आउटफील्ड है, तो आपकी तरह से भी बैड बॉल जो है वो बाउंड्रीज पड़ जाती हैं, तो आपको अपनी लेंथ और लेंथ पे काम करना पड़ेगा। हसनैन बिल्कुल तेज बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी एग्जीक्यूशन है उनको उसको बेहतर करने की जरूरत है। रिजवान, आपके क्या प्लस पॉइंट्स हैं इस मैच में इनके खिलाफ? इसमें जिस तरह हमारी बैटिंग चल रही है, आप कोशिश करेंगे इस तरह हम लोग सिर्फ बैटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिस तरह कम से कम स्कोर में रिस्ट्रिक्ट करके उसको इंशाल्लाह चेस करें इजीली। आपकी टीम चेंजेस? हां, टीम चेंजेस है, क्रिस लिन नहीं खेल रहा, शायद भी नहीं खेल रहा, उस्मान कादर नहीं खेल रहे, और जिसके अलावा इमरान खान सीनियर, इमरान ताहिर खेल रहा है और शान मसूद। और आपकी टीम सर? हमारी टीम में जी कैमरन डेलपोर्ट नहीं खेल रहे, उनकी जगह उस्मान खान हैं, और उसके अलावा कैस अहमद हैं, नसीम शाह की जगह। और खुश रहिए, एंजॉय करें, कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद मैं करता हूँ अच्छा मैच होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। सो ठीक है जी, टॉस हो गया है और टॉस जीता है मुल्तान सुल्तान के कप्तान रिजवान अहमद ने, और टॉस जीतने के बाद हसब रिवायत उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया है और वो ये फरमा रहे थे कि जनाब ये अब तक की जो सूरत हाल है बिल्कुल तो उसको देखते हुए अभी चांस नहीं लिया जा सकता, इस वजह से जो है वो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का उन्होंने फैसला किया है। तो जनाब टॉस हो गया है और घंटी बज चुकी है, यानी कि आधा काम हो गया है कि जो टॉस जीतेगा ना चाहते हुए ये बात कहनी पड़ रही है, लेकिन इससे पहले मैच में भी यही हुआ है और उससे पहले जो मैच खेले गए उसके अंदर भी नतीजा 100% रहा है। तो इस वक्त ये कहा जा सकता है, मैं रोजाना आपसे पूछता हूँ कि इस दफ़ा हो सकता है कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ये जिंक्स टूट जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, आपकी राय? देखिए, इस वक्त जो टॉस तो खैर जीता है, हसब रवायत जो है जो सिलसिला चल रहा है उसके मुताबिक तो जो है वो जारी बात है उसको एडवांटेज जो है ना मुल्तान को है, एक साइकोलॉजिकली भी और जो सिलसिला चल रहा है उसके मुताबिक भी जो है ना एडवांटेज तो मुल्तान को चला गया। तकरीबन आप ये समझ लेंगे 25% जो है वो मैच का जो है ना। अच्छा, आप समझते हैं 25% फायदा हुआ है, ही पता 25% और उसके बाद जो है ना जो बाकी जो है होगा यहाँ पर जो देखें कि इन्होंने अपनी चैनिंग वगैरह जो की हैं, देखें कोयटा का एक जो है जो हमें जो प्लस पॉइंट नज़र आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा, ये हर मैच में जो है वो इनकी चैनिंग बहुत ज़्यादा है, चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रही है, ये टीम को एक साथ जो है कम से कम जो है ना नसीम शाह को ड्रॉप देखें हर मैच में एक को दे रहे हैं चांस, उस बेचारे को जो है ना निकाल के फिर दोबारा डाल देते हैं, निकाल देते हैं, आप एक बंच बनाने की कोशिश करें। आपने मैच तो इतने सारे हार तो गए, कम से कम आप हर लड़के को कम से कम 2-3 मैच दें ताकि जो है ना उसको जो है ना अच्छा जो लड़का आप नसीम शाह को आपने एक मैच खिलाया और आपने पकड़ के बाहर कर दिया, अब आप नया ट्राई कर रहे हैं तो मेंटली तौर पे जो भी प्लेयर आ रहे हैं वो मेंटली तौर पे जो है वो अपने आप को चैलेंज ही होता है, चैलेंज होता है कि मैंने अगर ले ली, अगर उसने एक ओवर पिट गया या दो ओवर पिट गया उसके बाद उसने फिर तीसरे और चौथे ओवर में जान मारनी नहीं है, उसको बेचारे को प्रेशर होता है कि अगले मैच में मैंने बाहर ही बैठना है, वो मैच के बारे में नहीं सोच रहा था, वो ये सोच रहा था कि मैंने अगले मैच में बाहर बैठना है। तो ये कम अज कम कोयटा ग्लेडिएटर की जो एक सिलसिला जो चल रहा था, एक बड़ी अच्छी टीम पिछले चार PSL में बहुत अच्छी इसकी पोजीशन थी और बड़ा अच्छे तरीके से जम के खेले इन 2 PSL में, और ख़ासतौर पर इस PSL के अंदर आप देख लें कि इन 4 के 4 मैच जो है वो हारे हैं, और इस वक्त इनके साथ ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि इनका जो है मोरल जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन होगा, क्योंकि अब जो अगर इनको जो है टॉप 4 में आना है, एक तो इन्होंने रन भी ज़्यादा करने
और दूसरा इनको जो है रन रेट इनको बहुत ज्यादा है, इनका रन रेट भी सबसे कम है, सबसे कम है ये भी। तो अभी अगर इन्होंने आज अगर जैसे जैसे रिजवान ने इनको बैटिंग दी है, अगर ये मैं समझता हूँ 200 प्लस रन होंगे तो ही जाकर, क्योंकि अच्छा 200 प्लस रन इनको इसलिए भी करने के इन्होंने अपना रन रेट भी बेहतर करना है। इन्होंने हर मैच में अगर पहले बैटिंग भी करनी है तो 210 रन 215 रन जो है ना आपको करने पड़ेंगे, करना पड़ेगा, और उसके बगैर जो है ना आप जो है ना मैच जीतने के लिए तो छोड़ ही देंगे। बिल्कुल ठीक है जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जी आपको मैच तो जीतना है और रन आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। तो सरफराज साहब अगर 200 से ऊपर स्कोर होगा तो ही चांस होगा, वरना क्योंकि यहाँ पे अब तक ये रवायत रही है कि जो टॉस जीता है वही मैच जीता है। और पिछली परफॉर्मेंसेज के हवाले से बात करेंगे, ब्रेक के लिए क्या जा रहा है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते हैं हमारी स्पेशल प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू हो रही थी, बात कर रहे थे कुछ आने वाले मैच के हवाले से जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान का होने जा रहा है, और ख़बर ये है ग्राउंड से कि मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। जी जनरल भाई फरमाइए, अब एक दफ़ा फिर कोई चांस लेने के लिए तैयार नहीं है वहाँ पर? वो जो कमेंट्री के अलावा हैं उन्होंने भी सवाल ये किया कि ये जो सिलसिला है ये कैसे ख़त्म होगा, कोई चांस ले सकता है? तो रिजवान का कहना यही था कि जनाब इस वक्त जो कंडीशंस हैं उसको देखते हुए यही ज़्यादा बेहतर फैसला है कि आप टॉस जीतें और पहले बॉलिंग की तरफ चले जाएं, ये ज़्यादा बेहतर होगा। आप फरमाइए क्या कहेंगे इसके ऊपर? हाँ देखिए, आप ये तो सिलसिला खैर चल ही रहा है, अब देखते हैं कहाँ जाके रुकेगा ये सिलसिला। लेकिन जो अभी टॉस जीत के और फील्डिंग का फैसला किया है मुल्तान ने, तो अगर क्वेटा जीतती तो वो भी यही बात करती फैसला। तो लेकिन ये है कि मतलब टॉस हार के मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा टोटल सेट करना चाहिए कि जिसको आज दिफा जो उनके बॉलर का कर सके। आज जो पिछले मैच से दो चेंजेस इन्होंने किए हैं और उसके अंदर जो है एक तो जावेद खान को डाला है, मोहम्मद जावेद, और वो लोकल प्लेयर है, वो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही T20 का बहुत ही हार्ड हिटर है और बड़ा उसका मतलब यहाँ पर लोकली तो बहुत उसका नाम है, बड़ा उसने परफॉर्म किया है, रमजानों में भी बहुत उसने परफॉर्म किया है। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा जो चेंज किया है वो नसीम शाह को करके और कैस को किया, हाँ, और डेलपोर्ट को बाहर किया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि इन्होंने चूंकि तीन मेरे ख्याल ओवरसीज प्लेयर रखे हैं, समझे ना, कैस को रखा है और बैन कटिंग को रखा है और वो डुप्लेसी को रखा है, डुप्लेसी को। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये बेंटन को जो है ना, टॉम बेंटन को भी अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो बैटिंग इनकी, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो पिछला जो इनका मैच हुआ है ना जी, पिछले मैच के अंदर जब तक सरफराज खेल रहा था ना, वो लाजवाब खेला है वो, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला है। उसके साथ जो एक मतलब पार्टनरशिप चाहिए थी ना, नवाज भी अच्छा खेल रहा था, लेकिन हुआ ये कि जब सरफराज आउट होके गए ना, उसके बाद रन ही नहीं बने, नहीं 20 गेंदों पे 22 रन बने आखिर के। तो जब आखिर के वजह क्या थी, विकेट तो यार क्या कहते हैं ज्यादा नहीं गिरी थी ना, 6 ही गिरी थी, वो 4 विकेट बाकी थे, लेकिन वो चारों के चारों जो ना वो टेल एंडर, मतलब उनके अंदर बैटिंग की इतनी सलाहियत नहीं थी। और इससे पता ही चलता है कि क्वेटा जो है उसको थोड़ा इस सब देखना होगा कि मैं ये समझ रहा था कि शायद अनवर अली जो है ना उसके होने से ये होता है कि बैटिंग में थोड़ा डेप्थ आ जाती है, लेकिन वो चूंकि अब जाहिर है कि सारे ही मतलब उन्होंने वो बॉलर उन्होंने वो किए हुए, तो अब 7 नंबर के बाद उनके पास जो ना बैटिंग उस तरह की नहीं है जिस तरह दूसरी टीमों के पास है। तो ऊपर के जो जो इनके जो बैट्समैन है, चूंकि अब जाहिर है इन्होंने एक फैसला किया होगा, तो ऊपर वाले जो प्लेयर हैं इनके जो बैट्समैन हैं उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और एक ऐसा टोटल जो है ना वो सेट करना होगा कि ताकि वो मुल्तान सुल्तान जो है उसको वहां तक जाने में जो है बहुत तको धोखा गुजारे, क्योंकि देखिए मुल्तान सुल्तान की जो बैटिंग है ना वो तो आपके सामने है। आज उन्होंने किस लेन को ड्रॉप किया और बहुत बड़ा नाम शाहिद आफरीदी का, उनको भी ड्रॉप किया और एक प्लेयर शायद और भी ड्रॉप किया, उन्होंने 3 लड़के ड्रॉप किए और आज इमरान ताहिर जो है वो एक्शन में नजर आएंगे।
तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने तीन चेंजेस किए, उन्होंने दो चेंजेस किए हैं, तो इनको जो है ना असल में जो एक जीत की जरूरत है, मतलब इनको क्वेटा को और टीम कॉम्बिनेशन की जरूरत है, ठीक है, टीम कॉम्बिनेशन अब तक नजर नहीं आया है, और वो एक जीत जो है ना जिसकी बहुत जरूरत है, जब वो जीत आएगी उसके बाद फिर मोमेंटम बनेगा तो फिर वो आगे। अच्छा ये कुछ हार्ड लक भी रही है, टॉस भी क्योंकि ज्यादा फेवर में नहीं किया, टॉस भी हारे, पांच के पांच टॉस हार गए ना, सरप्राइज ये भी वजह से जो टॉस हुआ तो ये 100 पर टॉस तो सारे हारे, क्योंकि वो टॉस हारता ही नहीं था, लेकिन अब इस दफा ये हुआ है कि वो सारे टॉस जो है वो हार गया, और जो अब तो ये अब इस तरह आप लगा लें कप्तान का रेशो कि भाई जिसने जितने मैच जीते हैं कप्तान ने उतने ही टॉस हारे हैं, उतने टॉस हारे हैं, ये बड़ा आसान हो गई मेरी मैथ्स आसान हो गई है कि जो टॉस हारा है वही मैच हारा है, बड़ा आसान है, तो पांच टॉस इसका मतलब है कि सरफराज अहमद साहब जो है वो हार चुके हैं। आप क्या कहेंगे टॉस का कितना अमल दखल है? अब तक तो जब हमारी गुफ्तगु हुई है उसमें 100% नतीजा है। दूसरी बात यह कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जनाब कॉम्बिनेशन एक ही रखना पड़ेगा और लड़कों को चांस देना पड़ेगा, इसमें थोड़ी सी कमजोरी है। इसके बारे में थोड़ा सा मजीद बात कर लेते हैं कि आज क्या हिकमतें अपनी अपनानी होगी। इससे पहले तो अटैकिंग क्रिकेट खेली, क्रिकेट तो अच्छी खेली है लेकिन एक छोटी सी गलती हुई है जिसकी वजह से मैच निकला है, तो आज सरफराज साहब क्या प्लान लेकर आएंगे आपके ख्याल में? देखें ये अब जीत को ढूंढ रहे हैं तो जिसकी वजह से ये कंटिन्यूसली जो है चेंजिंग कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो अगर जो है ये कहीं क्या होता है ना, जब बंदा हार रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं से देख रहा होता है किसी जगह से कुछ ना कुछ मुझे मिल जाए, तो ये भी ये क्वेटा ग्लेडिएटर की टीम भी यही कुछ कर रही है, तो शायद जो है ना अभी कम्बिनेशन हो जाए अभी हो जाए, मगर ऐसे इस ज़्यादा हम लोगों से तो हम तो कुछ खेले हुए नहीं है, कोई इतना नहीं, जितने के मोइन खान साहब बैठे हुए हैं जी हाँ, इतना 18 साल उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, तो जो है ना उनके पास ज़्यादा सोच रहे हैं, उनका प्लेयर भी है, हर चीज़ है, और उसके पास साथ साथ इन्हें एक बेहतरीन कैप्टन भी आपके पास मौजूद है, बस इनको एक जीत की ज़रूरत है, उसके बाद देखें क्या होता क्या है। मगर ये दूसरी चीज़ ये कि जो है ना इनकी कम्बिनेशन उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक कम से कम एक लड़कों को कम से कम एक ज़्यादा चांस दें। अब तो खैर चांस रे अब दरअसल जो है चांस रहा भी नहीं है, अब आपको जो है रन रेट भी ऊपर करना है और उसके साथ साथ आपको जो है ना मैच भी जीतना है। दूसरी चीज़ ये कि जो है ना आप टॉस की जहाँ तक बात करते हैं, टॉस जो है ना हम सब लोगों ने एक बनाया हुआ है जो है ना कि जो टॉस जीतेगा वो जो है ना मैच जीतेगा। देखें अगर पिच के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो आपको कि आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं, बॉलर जो है बॉल को हिला रहे हैं, हाँ। या पहले आपकी विकेटें गिर रही हैं, तो फिर तो हम बोलेंगे जी टॉस जीतना बहुत ज़रूरी है और आपको एडवांटेज है, अच्छी बात। अच्छा मगर यहाँ पर तो दोनों चीज़ों के दोनों के लिए दोनों बराबर है, बिल्कुल सही है। तो सिर्फ हमें ये है कि जब खेल जो भी टीम खेल रही होती है वो अपने माइंड में ये चीज़ कर ले कि 180 रन यहाँ पर चेजेबल हैं, उनको कम से कम 200 रन से ऊपर का अपना दिमाग बना के शुरू से ही लेके चलना पड़ेगा। शुरू से जो बैटिंग लेके चलेंगे जो ओपनर हैं, ओपनर जो है वो 5 से 6 ओवर जो है खड़े रहें, उसके अंदर 60-70 रन जो है वो दायरे में बने, उसके बाद फिर जो है जो बाकी प्लेयर आए वो उसको रन करेंगे। तो अब ये हम ये बोलें कि टॉस तो एक चीज बन गई है, हाँ। कि ठीक है जी जो मगर देखे टॉस का एडवांटेज उस वक्त होता है जब आपके पास गीली विकेट हो या सुबह का टाइम हो या कहीं जाना या कोई है, तो फिर तो आपको एडवांटेज है, यहाँ पर एडवांटेज है ही नहीं। Exactly. ये सिर्फ और सिर्फ जो है जो सेकंड इनिंग्स में जो खेल रहे हैं उनको सिर्फ एडवांटेज ये है कि उनको पता है कि हमने इतने रन चेस करने हैं, बोर्ड पे रन आ गए, ठीक है। मगर अगर यही चीज अगर पहली इनिंग्स वाली टीम जो है वो सोच ले कि मेरे बोर्ड पे जो है 200 रन का है, मैंने 200 रन करने हैं, तो जब 200 रन वो कर जाएंगे तो जो है हो जाएगा, ठीक है। ये अभी महाराजा साहब जैसे बात कर रहे थे पेस पे बहुत ज़्यादा एम्फिसाइज करते हैं आजकल, 140 से जो ऊपर किया वो अजीम बॉलर की फहरिस्त में आ जाता है, बहरहाल ये उनका ख्याल है, लेकिन वो हसनैन के बारे में पूछ रहे थे कि ये जो तेज़ गेंदे कर रहा है 94 माइल की स्पीड से गेंद कर दी है, इसको कैसे इस्तेमाल करें? अब इस विकेट के ऊपर तो जाल लगाएं, आप देखें जैसे सरफराज ने कहा कि इसमें तो अगर मिस हिट भी होता है तो बाहर है बाउंड्री से, ये तो इस वक्त ग्राउंड की कंडीशन है, कैसे कंट्रोल करें फिर साहब? बड़ा जुल्म है बॉलरों के साथ, ये बात तो देखें असल में मसला ये है कि अब इस्तेमाल तो जाहिर है कप्तान ने करना है और हसनैन जो है वो बड़ा टैलेंटेड बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं है, और डे बाई डे जो है ना वो इम्प्रूव कर रहा है। देखिए रन तो अब हम कुछ कह ही नहीं सकते ना कि कौन बॉलर किसकी, कोई बॉलर नहीं बचा जिसको नाम लेके नहीं आया, इसने बहुत अच्छी, मतलब उसने अगर 2 ओवर बहुत अच्छे किए तो आखिरी के 2 ओवर बहुत ही खराब किए हैं, वही 10-11-12 रन के एवरेज पे वो पहुंच गया है। तो इसमें तो ये रहा कोयटा के मुताबिक, थोड़ी सी मैं बात ये करूंगा कि कोयटा की टीम जो है ना जो टॉस हारी है
वो मैच जीतने में कामयाब होगी, इसका मेरे ख्याल में इंतजार होगा जमीन भाई। इसके ऊपर एक शेर जो है वो लाजमी होना चाहिए ताकि फिर मैं इजाजत लूँ और फिर जो है वो जनाब दोस्त को ही लाओ, अब दोस्त को दोस्त को ही लाओ मुकाबले में हमारे, वाह दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं। बहुत खूब जी, बहुत खूब जबरदस्त जनाब। ये इसी के साथ शेर के साथ जो है वो आपसे इजाजत लेंगे और जाते जाते एक दफ़ा फिर हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया जिनकी वजह से ये ट्रांसमिशन मुमकिन हुई है, उसमें गाला बिस्किट जो है वो सर फहरिस्त है, इसके अलावा मेमन स्ट्रेट जिनकी वजह से ये ट्रांसमिशन हमारे लिए करना मुमकिन हुई। तो कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासर को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने कहा।